दोस्तों आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक पे। आज का टॉपिक है पर्ली पिनाइल पेप्यूल्स और पीपीपी और हेयर शूटिस पैपिलरीज जेनाइटलिस। नर के शिशन मुंड पेनिस ग्लैंड्स के कोरोना की त्वचा पर दिखने वाले दानेदार संरचनाएं। सभी पुरुषों में इस जगह पर अदृश्य दाने होते हैं, लेकिन कुछ लोगों में ये दाने ज़्यादा बड़े हो जाते हैं। इन बड़े दानों को ही पर्ली पिनाइल पेप्यूल्स कहा जाता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे कि ये क्यों होता है, क्या इसके कारण होते हैं, क्या इसके सिम्टम्स होते हैं, क्या इसके लक्षण होते हैं दोस्तों, और क्या इसका ट्रीटमेंट होता है। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले, मेरे चैनल पर आप नए हैं, मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, जिससे आगे कोई टॉपिक डालूँ तो वो आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों ये बिल्कुल सामान्य संरचनाएं होती हैं, ये ठीक उसी तरह से हैं जैसे कि ये हमारे शरीर के अन्य हिस्सों की त्वचा कभी कभी रूपांतरित होकर तिल, मस्सा आदि बना लेती है। लक्षण तथा पहचान, दोस्तों अब हम बात करते हैं इसकी लक्षण और पहचान कैसे की जाए। इनकी विशिष्ट पहचान यह होती है कि ये एक या एक से अधिक पंक्ति या लाइन में पाए जाते हैं। इनका आकार यानी साइज 3 मिलीमीटर तक हो सकता है। इनका रंग मांसपेशियों के रंग के जैसा ही होता है। इन दानों में ना तो कोई दर्द होता है, न किसी प्रकार की खुजली और ना ही ब्लीडिंग होती है। यहाँ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यह सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ नहीं है, यानी इसका संचरण योनि क्रिया के द्वारा नहीं होता। डॉक्टर अनुभवी नहीं हो तो गलती से वह इसे जेनाइटल वार्ट भी समझ सकता है, जबकि यह जेनाइटल वार्ट से बिल्कुल अलग चीज़ है। जेनाइटल वार्ट एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, यानी जेनाइटल वार्ट एक यौन जनित रोग है, जबकि पर्ली पिनाइल पेप्यूल्स कोई रोग ही नहीं है। यह त्वचा का एक रूपांतरण मात्र है, यह रोग नहीं है। इससे प्रभावित व्यक्ति को लगता है कि उसे कोई रोग हो गया है, परंतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे रोग नहीं माना जाता है। WHO की डेफिनेशन के अनुसार रोग उसे कहते हैं जिसके हो जाने पर व्यक्ति कोई विशेष प्रकार की क्रिया करने में असमर्थ हो जाता है। चूंकि इससे कोई क्रिया प्रभावित नहीं होती है, अतः यह रोग नहीं है। बिना खतना यानी विदाउट सर्कमसीजन किए गए लोगों में ये ज़्यादा पाया जाता है। इसका एक कारण हस्तमैथुन यानी मास्टरबेशन भी माना जाता है। अब बात करते हैं हम इसके कारण की कि इसके कॉज क्या होते हैं। तो पर्ली पिनाइल पेप्यूल्स क्यों होते हैं, इसका कारण ज्ञात नहीं है, पर इतना जरूर ज्ञात है कि यौन संबंध से नहीं होता है। पहले यह माना जाता था कि ये सफाई की कमी से होता है, लेकिन अब ये सिद्ध हो चुका है कि सफाई से इसका कोई लेना देना नहीं है। आयुर्वेद में त्वचा पर होने वाले इस तरह के विकारों का कारण वात दोष माना जाता है। तो हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की, यानी निवारण क्या होता है। चूंकि यह एक रोग नहीं है, इसके उपचार की आवश्यकता नहीं है, परंतु किसी भी सौंदर्य के लिए अगर कोई इसका इलाज कराना चाहता है तो कार्बन डाइऑक्साइड लेजर से इसे सही किया जा सकता है और होम्योपैथी ट्रीटमेंट लेकर इसे सही किया जा सकता है। होम्योपैथी में ऐसी बहुत सी मेडिसिन हैं जो इसे सही कर देती हैं। तो अगर होम्योपैथी की बात करें तो इसके जो मेंटल फिजिकल सिम्टम्स को मैच करके जो मेडिसिन निकलती है उसके देने से ये बिल्कुल ठीक हो जाता है। दोस्तों इस संबंध में मेरे से कोई सलाह या सुझाव लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं। दोस्तों लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप अपना नाम, अपनी प्रॉब्लम को, मेरे को जो आपका सवाल है उसको एक बार में ही पूरा लिख कर भेज दें। बहुत से लोग हाय करके छोड़ देते हैं, तो कृपया ऐसे मैसेज का मैं जवाब नहीं दे पाता हूँ,
हूँ, क्योंकि अगर आप मेरे से कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो उसको पूरा पूछिए, आप क्या जानकारी चाहते हैं। जैसे ही मैं ऑनलाइन आऊँगा आपके सवाल का जवाब जरूर दूंगा। दोस्तों, आज का मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा, पसंद आया है तो लाइक करिए, फैमिली फ्रेंड्स को शेयर करिए, दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए जिससे आगे कोई टॉपिक डालूँ तो वो आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों अब लेता हूँ विदा, मिलते हैं आगे किसी ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।